अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तैयार हो गई हूँ और बाहर कम इस कदर खूबसूरत हवा है, बूंदाबांदी हो रही थी जो कि अभी अभी रुकी है। मैंने इन्हें बाइक निकाल लिया, हम लोग जस्ट निकलने लगे। मैं पहुँच गई स्टॉप पे, अब रोड क्रॉस करके जा रही हूँ। सामने वहाँ पे आएंगे गाड़ी वाले भाई और कहीं जा रहे हो कि कहीं बाय बाय। घर आके मैंने लंच कर लिया है और चेंज कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ ईशा को ट्यूशन तक छोड़ने। रास्ते से लेके देनी है हिमा को और ईशा को खाने के लिए कोई चीज़, और कुछ चीज़ें मैंने बताई है बोलूँगी, और वहाँ से ईशा को ट्यूशन छोड़ूंगी और फिर आऊँगी घर, आके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। हम लोगों ने चीज़ें ले ली हैं बच्चों ने। भाई ईशा चीज़ें ले ली ना, पकड़ ली आपने? ईशा की भी पकड़ ली ओके। ये आ गई है ईशा की ट्यूशन। ओके ईशा बाय बाय। ईशा छुट्टी करके खुद ही आ जाइएगा। शाम हो गई है और मैंने शाम की चाय पी ली है। अम्मी गई है जरा नेबर्स में। अभी हमारे साथ जो है वो ये हुआ है कि कल हम लोगों ने खाना मंगवा लिया था बाजार से, और तिक्का बिरयानी के लिए हमने तिक्के मैरिनेट करके रखे थे जिसकी रेसिपी मुझे नहीं आती। सारा को मैंने कॉल किया तो सारा कह रही है कि मैं कल आऊँगी, इसको एज इट इज़ फ्रीज रहने दें। आज के लिए अम्मी ने मुझे कहा है कि हम बना लेते हैं चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस के लिए मटर छील के हमने फ्रीज किए हुए थे, वो मैंने पैकेट निकाल लिया है। और मज़ीद जो वेजिटेबल्स चाहिए वो ये रखी हैं मैंने, पोटैटो हैं, शिमला मिर्च है, कैरेट है, और चिकन भी रख दिया, उसको मैं बॉयल करने रखती हूँ अभी। तो आज शाम के खाने में बना रहे हैं चाइनीज़ राइस और तिक्का बिरयानी बनाएंगे हम कल। और ये तो हमारे घर की डेली की प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता, बल्कि हमारे नहीं तकरीबन हर घर के डेली की प्रॉब्लम है, क्या पकाएँ क्या पकाएँ क्या पकाएँ। कोई ये चीज़ शौक से नहीं खाता, कोई वो चीज़ शौक से नहीं खाता, तो बहुत टेंशन है हमारे घर में, तो बहुत टेंशन है। बाकी मुझे लगता है कि सभी घरों में ये टेंशन डेली की होती है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं, कुछ समझ में नहीं आता, डिसाइड करने में ही कितना टाइम तो निकल जाता है। फाइनली हमारा डिसाइड हुआ है आज के लिए कि हम शाम के खाने में बनाएंगे चाइनीज़ राइस। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, वेजिटेबल्स मैंने निकाल के रखी हैं, थोड़ी देर तक इनकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं चल के देखती हूँ बाहर, क्योंकि दो तीन दिन बारिशें हुई हैं तो मौसम अच्छा हुआ है बाहर। चेयर निकाल के थोड़ी देर बैठती हूँ, बाहर में आके बैठ गई हूँ। हवा है अभी बहुत मज़े की, और पीछे आप देख सकते हैं मेरे कितने खूबसूरत हुआ हुआ है मौसम। लाए हुए साथ वाले की क्यारी पे काम कर रहे हैं। अंकल हमारा कब करेंगे? आज ही करना। अच्छा, एलोवेरा देख लीजिएगा, गमलों में लगाना है, वो तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, और मनी प्लांट भी लगाना है। अच्छा जी, लगा देते हैं मनी प्लांट भी लगा देते हैं। शाम हो गई है ज़्यादा, मैं बाहर टहल रही हूँ और साथ साथ अम्मी और कनिका वेट कर रही हूँ जी। काफ़ी देर हो गई थी वॉक कर करके, मैं थक गई तो हम लोग चेयर्स रख के बैठ गए, और यहाँ से नज़र आ रहा है रबी चांद, वो देखें सामने बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अम्मी और गनी का वेट करते करते मुझे हो गई काफ़ी ज़्यादा देर, तो मैं अंदर आ गई हूँ ताकि खाना पकाने स्टार्ट करूँ। अम्मी और गनी जैसे ही आएंगे तो फिर हम खाना खा लेंगे। और ये अलीना ने कटिंग करके रखी है, तो मेरा किसान हो गया है। बारिश भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो बस ये टेंशन हो रही है कि मैं गनी करिए तो आप इसके साथ जल्दी जल्दी वापस आ जाए, तो हम लोग टाइम से खाना वगैरह खा लें। मैं स्टार्ट कर रही हूँ चावल पकाना, साथ मिल्क बॉयल करना है, तो जाती हूँ किचन में। डिनर हम लोगों ने कर लिया, अब गनी मैं और अलीना गनी के रूम में आए थे ज़रा व्लॉग ज़रा शॉर्ट्स शूट करने के लिए। तो मैं वीलो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गनी का रूम आपको दिखाती हूँ, देखें माशाल्लाह। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू वीलॉग में, टिल देन बाय बाय।